जैसे ए गेट इस तरफ है, बी सी डी ई एफ राइट साइड है। सो अपनी फ्लाइट दिल्ली के लिए टर्मिनल ए से है, सो विल गो टर्मिनल ए। तो इस तरफ टर्मिनल ए है। सो फाइनली 8 घंटे के लेवर के बाद में हम लोग अभी दिल्ली के लिए अपनी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। सो अबू धाबी में इट्स राइट नाउ 2:35 का हमारा डिपार्चर है, एंड देन वील रीच दिल्ली बाय IST 7:35। 9 बजे तक मैं एयरपोर्ट के बाहर आऊँगा। सो दिस इज मी और लेट्स गो फाइनली इंडिया बेबी। ये बिजनेस क्लास का सेक्शन है, मेरी 16K सीट है। तो ये है 16K, ये अपना इधर है लंका। ये वही फिर ये एयरफोन्स टावेल तक ही है। सो फ्लाइट बोर्ड कर लिया अपन ने, सेम जैसे वो फ्लाइट थी वैसे ये सेम फ्लाइट है, सेम फीचर्स, सेम एनीथिंग, वही तक ही है। शॉल वगैरह ये लोग देते हैं। और ये फ्लाइट अभी डायरेक्ट हम ले जाएगी दिल्ली। दिल्ली हम लोग पहुँचेंगे, दिल्ली विल रीच बाई 7:35। यहाँ दिल्ली का बना भी हुआ है, सो बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली कई ऑलमोस्ट अप टू 1 ईयर वी आर गोइंग टू इंडिया। बस इस तरफ बिजनेस क्लास है, देन यहाँ पीछे पूरा इकोनॉमिक सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, एडजस्ट कर लो। IT हमारी सीट है, वी हैव गॉट विंडो सीट। वो है प्रॉपर दिन है तो अपने को बाहर का पूरा नज़ारे दिखेंगे। फाइनली इंडिया पहुंच गए, ये है दिल्ली एयरपोर्ट, मैं भी लैंड हुआ। सो अभी इंडिया में 7:54 हुए, मैं 3 फ्लाइट लेने वाले यहाँ पहुँचा हूँ। सबसे पहली मॉस्को टू ओरिमो टू मॉस्को, देन मॉस्को टू अबू धाबी, और फिर अबू धाबी टू दिल्ली। उसके बाद फिर मेरी और फ्लाइट है नागपुर के लिए सुबह 5 बजे, लेकिन थोड़ा आराम है मेरे को। सो लेट्स सी, लेट्स स्टेप इन टू इंडिया आफ्टर 1 ईयर, लेट्स सी हाउ इट फील्स। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मारा देश। और स्पेशल बात यह है कि मेरा ये फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे को 5th ईयर ख़त्म हो गया मेरा, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम कि मैं दिल्ली पे इंटरनेशनल फ्लाइट से लैंड कर रहा हूँ। मैं एक बार लैंड किया इससे पहले कि वो नागपुर से थी, डोमेस्टिक फ्लाइट थी, मैंने कभी एग्जैक्ट सा एंट्रेंस इसका जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल अराइवल वो देखा नहीं है। यहाँ पे ऐसा वाला कुछ लोगों है साइन ऐसा, तो आई सी दिस फॉर द फर्स्ट टाइम राइट नाउ। सो पहली बार अपन बड़े अच्छे टर्मिनल पे ऐसा उतर रहे दिल्ली में, दैट्स अ स्पेशल फीलिंग। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फिर वो हाथ दिखता है स्वास्थ्य वास्ते के। मेरे साथ एक भाई है जो 9 साल बाद इंडिया है। आप क्या करते हैं यूरोप में? यूरोप में क्या करते हैं? यहाँ से अपने लेना लगेज अपना, वहाँ पे आपको अपना बेल्ट पूछना है कि मेरा, जैसे बेल्ट नंबर 11 पे लिखा है, जैसे अबू धाबी लिखा है तो लिखा होता है जैसे हम लोग अबू धाबी से आए। सो ये हमारा बेल्ट है, ऐसे अलग अलग बेल्ट है 8, 9, 10, 11, ठीक है। जैसे वो फुकेट वाले को अलग है यहाँ पे आएगा, हमारे यहाँ पे आएगा 11 नंबर पे।
बैग नहीं आ रहा है, इतना टाइम से वेट हो गया, एक बैग ही नहीं आ पा रहा। एक सिंगल बैग है तो भाई भगवान का अच्छा हो कि दो लगेज नहीं है, एक सिंगल लगेज नहीं आ रहा, पूरे गांव भर के आगे मिल रहे हैं। अच्छा मेरी कंटी फ्लाइट नहीं थी आगे के लिए, ट्रांसफर नहीं था, तो पूरा हो पूरा मैटर वगैरह तो पूरा खराब। जब भी आप दिल्ली एयरपोर्ट आओ तो कम से कम 4 से 5 घंटे आगे की फ्लाइट बुक कराओ, एकदम तुरंत मत कराओ ट्रांसफर के लिए। अगर लगेज का इशू होगा तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, ठीक है। अगली बार जब भी आओ, जो भी आएगा, अगर आप 7:30 पहुँच रहे हो कम से कम, तो आपको कम से कम 12-1 बजे की फ्लाइट देखनी है जब भी आओ। मिलने भाई लगे हैं बाहर चला जरूर जा जाता दिल्ली बाहर जाता ट्रेन है माजी फ्लाइट है 5:30 मैं ट्रेन कन्फर्म नहीं ली, ठीक है। लगेज मिल गई मेरे साथ जो फेंदा गई बच्चे सामान लेके, फिर आपको वो टैक्सी का अलग है, ऊबर का अलग, ओला का उस तरफ, ऊबर का इस तरफ, सारी ऊबर की गाड़ी इस तरफ आती है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे आना है, ऊबर बुक कर दी है, एंड देन यू हैव टू स्टैंड ओवर हियर, ठीक है। आपकी गाड़ी आ जाएगी ऑटोमेटिक। सो दिल्ली वाले दिल्ली क्या है, दिल्ली है मतलब, एक तो उत्तम नगर जाना है वहाँ पे, जैसे भैया ने बोला, मैंने बोला कि भैया एक तो बहुत महंगी टैक्सी होगी, बहुत दूर जाना है कि भैया, बोले नहीं पास ही है, जाम लगा है। फिर 200 रुपये तो यहाँ की ऊबर की पार्किंग चार्ज है, महंगी कहाँ है। अच्छा, वो आपको आप कट जाएंगे पैसे 200 ऑटोमेटिक, वो उनको मिल जाएंगे, कंपनी देती है उनको पैसा जो टैक्सी यहाँ आती है। अच्छा, तो 200 तो यहाँ का पार्किंग चार्ज, फिर भी मेरे को तो 425 का पड़ा, तो मैं बोला भैया को दूर है कि भैया, बोले दूर नहीं है, जाम लगे। तो भैया बोले महंगी हुई क्या, मैंने पूछा महंगी हुई क्या, तो भैया बोले कि छोड़ो एक तो मिल गई आपको वही नसीब, उतने अंदर टैक्सी कोई उठाता भी नहीं, चला जाए। अच्छा लग रहा है एसी में, बहुत मकज मारी है दिल्ली के एयरपोर्ट पे, टैक्सी वाले अलग, ऊबर वाले अलग, ओला वाले अलग। तो K4 मेरे को समझा नहीं, K4 क्या होता है, मुझे गलती दिख गया मेरे को एक जगह G8। कहाँ से आ रहे हो? मैं रशिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं यहीं रुका हुआ था उत्तम नगर में, सो दिस इज द लास्ट फ्लाइट, पहले ओलम्पिक से मॉस्को, मॉस्को से अबू धाबी से दिल्ली, 3 फ्लाइट हुई, और अभी 7 घंटे बाद मेरी अभी लास्ट फ्लाइट है, फॉर विच आई एम हेडिंग टू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल टू से मेरी नागपुर के लिए फ्लाइट है, एंड द फ्लाइट इज़ एट 6:55, अभी 4:17 हो रहा है, तो बाई 5 विल बी एट द एयरपोर्ट, तो 6 बजे तक हमारा सारा काम हो जाना चाहिए, बाई 6:20 द बोर्डिंग स्टार्ट, बाई 6:55 वी फ्लाई, एंड बाई 8:55 मोस्ट ऑली वी रीच, 9 बजे सुबह हम लोग नागपुर में होंगे, ठीक है। सो लेट्स गो, फिर ऊबर बुक किए, लकीली इट्स चीप, लगभग 219 की रूल आई है, मैं जब आया था तब लगभग 430 रुपये को देख आया था, ठीक है। तो ये है दिल्ली की गलियाँ, तंग छोटी छोटी, भैया एग्जैक्ट पहुँच गए, थोड़ा पीछे थे भैया, फिर जब मैंने उसको जब मैं फ्लैश ऑन किया तब आए। इधर से निकल बाहर से, इधर से जगह है, इधर से निकलेगी, इधर से पहुंच गया अपनी फ्लाइट है G20 Zone 3 और 16E सीट है, ठीक है। सब अपन सामान डालेंगे अंदर, इट इज व्हाट इट इज, इज द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग, सबसे कंफर्टेबल चीज है, आप पैंट पे आओ टेंशन नहीं खत्म, खुला खुला एकदम। अपने को जाना है Row A to F, ठीक है, और Gate 20, Row A to F और Gate 20, बस वेरी इजी, लेट्स गो। अभी सिक्योरिटी चेकिंग है, उधर से बोर्डिंग पास ले लिया, ठीक है, उधर में आया जिसमें बोर्डिंग पास, तो अपना सिक्योरिटी चेकिंग हो गया, सब सामान वामान निकल लिया, अभी अपना आना Gate 20 20 नंबर गेट पे अपनी फ्लाइट है। सो ये इस ड्यूटी फ्री और 20-35 सोए 20 और 35 वाला गेट इधर है, सो वी हैव टू गो टू 20-35 गेट, इस तरफ जाना है अपने को।
अपनी जर्नी की लास्ट फ्लाइट है अभी दिल्ली टू नागपुर, लास्ट फ्लाइट बस ऐसा सोंगन में बिगड़ जाएगी।